आइए अब आपको आशका और ब्रेंट के योगा क्लासेस में लेकर चलते हैं जहां पर दोनों दे रहे हैं योगा की ट्रेनिंग। खास बात तो ये है कि टीवी सेलेब्स भी योगा क्लासेस में पहुंचे जहां सभी ने आशका और ब्रेंट से लिए खास योगा टिप्स। आप भी देखिए। टीवी स्टार्स खुद को हिट एंड फिट रखने के लिए करते हैं खूब मेहनत। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हमारे टीवी स्टार्स अपने फिटनेस का ध्यान रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे आशका और ब्रेंट के योगा मास्टर क्लासेस में, जहाँ दोनों ने योगा की स्पेशल ट्रेनिंग भी दी। खास बात तो ये है कि इस योगा क्लासेस में अभिगेल पांडे, मेघा गुप्ता और कनिका महेश्वरी भी अपने हस्बैंड अंकुर के साथ योगा की ट्रेनिंग लेने के लिए पहुंची। आशका और ब्रेंट ने न सिर्फ योगा करके दिखाया बल्कि लिफ्ट भी किए। आइए अब आपको आशका और ब्रेंट के ही पास लेकर चलते हैं और जानते हैं कि इस तरह की योगा क्लासेस से लोगों को कितनी इंस्पिरेशन मिलती है। बहुत मजा आया। जी हाँ, ब्रेंट ने अपने सर्टिफिकेशन जो लिए हैं, यूजुअली लोग 200-500 आवर्स की टीचिंग में आगे प्रोग्रेस करते हैं, लेकिन ब्रेंट ने ये ठान ली थी कि जब तक वो 1300 आवर्स कंप्लीट नहीं करते हैं, फुल योगा फिलॉसफी नहीं सीखते हैं, वो अपना एजुकेशन आगे एक्सटेंड नहीं करेंगे। एंड आई थिंक नाउ ही इज़ रेडी। एंड क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे देश में मेंस्ट्रुएशन को लेकर, पीरियड्स को लेकर शाय हो जाते हैं, बात नहीं करते हैं। हालाँकि PMS के बारे में हर लड़का हर लड़की कहीं ना कहीं एक मजाक एक बात ज़रूर करते हैं, लेकिन एक्चुअली हाउ इट रियली वर्क्स विथ योर बॉडी, व्हाट यू कैन डू, व्हाट वुमेन गो थ्रू, आई थिंक ब्रेंट काइंड ऑफ वांट्स टू फोकस ऑन दैट टॉपिक अ लिटिल बिट मोर एंड गिव इम्पोर्टेंस टू द फैक्ट कि भाई PMS जैसी बहुत बड़ी चीज़ होती है जो शायद आप नहीं समझ पाएंगे, लड़कियाँ ही समझेंगी। सो यस, दैट्स द होल आइडिया। ब्रेंट, अकॉर्डिंग टू यू, एक ह्यूमन के लिए योगा कितना ज़रूरी होता है? जिस ताबियात के लिए योगा बहुत ज़रूरी है। आई हैड अ लॉट ऑफ फन टुडे। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द पावर फिएस्टा वुमन के लिए टू बी हियर विद माय वाइफ, एंड वी हैड अ ग्रेट फर्स्ट क्लास, बहुत मज़ा आया। एंड नाउ आई एम जस्ट थिंकिंग इन माय हेड, सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ about how I can make things better for the next class moving forward. वैसे आशका, हमने देखा कि योगा क्लासेस में आपके क्लोज फ्रेंड्स भी ट्रेनिंग लेने के लिए आए, इस पर क्या कहना है आपका? ब्रेंट की इस जर्नी को बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया है, और अब पहले एक टाइम होता था जब लोगों को लगता था कि योगा इसका ओल्ड पीपल, या आप बूढ़े हो जाओगे आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप थोड़ी सांसें ले लो, दैट्स योगा। बट नाउ बिकॉज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म, सो मेनी यंग पीपल आर सीन डूइंग योगा कि अब लोगों ने ये चेंज लाया है अपने आप में कि यू नो इन्फ्यूज योगा एट अ यंगर एज देन वेट टू बी 60 एंड देन डू प्राणायाम्स। सो आई थिंक वी आर जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ दैट ट्रेंड दैट्स गोइंग ऑन, एंड वी वांट टू जस्ट मेक श्योर दैट पीपल हु आर यंगर देन अस स्टार्ट इवन अर्लियर। आइए अब कनिका महेश्वरी के पास चलते हैं, जो योगा क्लासेस में अपने हस्बैंड अंकुर के साथ पहुंची, और उन्हीं से जानते हैं कि योगा क्लासेस का एक्सपीरियंस कैसा रहा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और हम दोनों अभी यही डिस्कस कर रहे थे यार, जो हम योगा करते हैं बिल्कुल ही गलत योगा करते हैं, बिकॉज ये बिल्कुल ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। और एज अ कपल दोनों साथ में, हम लोगों ने पहली बार किया है ये योगा सेशन, तो डेफिनेटली अ गुड एक्सपीरियंस। चलिए अब अभिगेल के पास चलते हैं और उनसे भी जान लेते हैं कि योगा क्लासेस को लेकर अभिगेल का क्या कहना है। ऑब्वियसली मैं तो बहुत एक्साइटेड थी, मैंने तो ब्रेंट को पहले ही बोला था कि मैं आऊँगी, मैं सामने खड़ी रहूँगी, इट्स योर वर्कशॉप, बिकॉज आई नो कि आई थिंक ऑब्वियसली ब्रेंट ने बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई की है योगा को लेकर, एंड आई रियली लुक अप टू हिम, बहुत चीज़ें उससे सीखने को मिलती है मुझे फ्रॉम ब्रेंट, सो आई थिंक इट्स ग्रेट यार बीइंग हियर, एंड आशका ब्रेंट का कुछ भी होगा आई विल ऑलवेज बी देयर, सो दे आल्सो नो दैट आई हैव टू बी देयर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योगा क्लासेस में मेघा गुप्ता भी ट्रेनिंग लेते हुए नजर आई, जो काफ़ी एक्साइटेड भी दिखी। सो गुड यार, सो गुड। एक्चुअली मैंने आशका को बोला था कि मैं थोड़ी देर में निकल के जाऊँगी क्योंकि मेरी मीटिंग है, बट जब वो क्लास चल रही थी आई जस्ट कुड नॉट गेट अप, एंड शी केम टू मी एंड शी सेड यू आर लुकिंग अ लिटिल स्ट्रेस्ड, एंड आई एम लाइक यार क्योंकि मुझे जाना है बट मेरा बिल्कुल मन नहीं है जाने का। सो ऑनेस्टली इट वाज सच अ गुड क्लास,
ब्रेंट इवन दो ही इज़ नॉट फ्रॉम इंडिया, उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज है योगा की, आसनास की, सारे नाम उनको अच्छी तरह पता है, इतनी अच्छी संस्कृत की उन्होंने प्रेयर बोली. सो आई थिंक एज इंडियंस इट्स हाई टाइम दैट वी अंडरस्टैंड दैट आगे जाके आपको सिर्फ योगा, मेडिटेशन और न्यूट्रिशन हेल्प करेगा और कुछ हेल्प नहीं करेगा. ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं ये कभी बंद नहीं होंगी, आपको बताती रहेंगी कि आप बीमार हैं, क्योंकि इट इज़ नॉट अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एनीमोर, इट इज़ अ कॉर्पोरेट इंडस्ट्री. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. एंड जितना अब हम बैक टू रूट्स जाएँ, आयुर्वेदा में जाएँ, हर्बल में जाएँ, योगा में जाएँ, द बेटर इट इज़. एंड अगर कोई एफर्ट करके एक क्लास ले रहा है तो दैट्स ग्रेट, यू नो, आई थिंक वी शुड रियली एनकरेज सच थिंग्स. ऑल इन ऑल आशका और ब्रेंट की ये योगा क्लासेस सुपरहिट रही और सभी ने योगा क्लासेस को अच्छे से एक्सपीरियंस भी किया. मुंबई से शिल्पा पाटिल की रिपोर्ट, E24.